नेताजी का चश्मा, इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। पृष्ठ संख्या 59 से 67। स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे ही कुछ ही मकान हैं और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहा पोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई।
तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा हो, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है! लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठू चुका था। दोपहर का